एडिलेड की भिड़ंत से पहले भारत के लिए बुरी खबर, अगर ऐसा हुआ तो सेमीफाइनल में पहुंचना हो जाएगा मुश्किल। ऑस्ट्रेलिया के मेजबानी में खेले जा रहे 8वीं T20 विश्व कप में रविवार को ग्रुप 2 की सभी टीमों मैदान पर उतरी थी, जहां पर दिन को खेल समाप्त होने के दो टीम के लिए विश्व कप का सफर समाप्त हो गया, जहां पहले पाकिस्तान की टीम ने नीदरलैंड को हराकर विश्व कप में उसका सफर खत्म कर दिया, तो वहीं पर शाम को साउथ अफ्रीका टीम ने भारत को 5 विकेट से हराकर पाकिस्तान की उम्मीद भी खत्म कर दिया है। पॉइंट्स टेबल में टॉप पर पहुंच साउथ अफ्रीका। इस जीत के बाद साउथ अफ्रीका की टीम 5 अंक के साथ टॉप पर पहुंच गई है और सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों के सबसे बड़ी दावेदार बन गए हैं। साउथ अफ्रीका टीम को बचे हुए 2 मैच में से एक मुकाबला पाकिस्तान, दूसरे मैच में बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। ऐसे में एक भी जीत उसे T20 विश्व कप के सेमीफाइनल की टिकट पक्का कर देगी। वही भारतीय टीम भी 4 अंक के साथ दूसरे मैदान पर है, जिसे अपने बचे हुए मैचों में बांग्लादेश और जिम्बाब्वे का सामना करना है। भारतीय टीम को अपनी जगह पक्की करने के लिए दोनों मैच में जीत हासिल करने की दावेदार है, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ 2 नवंबर को एडिलेड के मैदान पर खेले जाने वाले मैच से पहले भारतीय फैंस के लिए आए बुरी खबर आ रही है। पॉइंट्स टेबल में भारत के अलावा बांग्लादेश की टीम भी 4 अंक के साथ है और उसे भी सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत और साउथ अफ्रीका की चुनौती का सामना करना है, लेकिन बारिश के चलते हुए रद्द होने वाले मैच में प्रतियोगिता के लगातार रोमांचक बना रहे हैं। अब खबर आ रही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जाने वाले शिकार हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो भारतीय टीम के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। ऑस्ट्रेलिया सरकार के मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी अनुसार मैच के दिन के आसार अच्छे नजर आ रही है। 30 अक्टूबर को एडिलेड का मौसम काफ़ी बदल सकती है। नज़र आ रही है कि काफ़ी उम्मीद है कि अच्छी खासी बारिश आए और 2 नवंबर को होने वाले मैच के दिन तक जारी है। मौसम विभाग के अनुसार इस मैच के दौरान बारिश के होने वाली 95% हो सकती है, जिसके मतलब है कि मैच रद्द हो सकता है। अगर ऐसा हो तो भारत और बांग्लादेश दोनों टीम को 1-1 अंक बांट दी जाएगी और भारतीय टीम को जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी मैच में हर हाल में जीत की दरकार है। वही बांग्लादेश को टीम जीत की उम्मीद को जिंदा रखने के लिए ये करती नजर आएगी।